हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओबीज़ एंड आइज़ की PT 365, जो कि हमारी पॉलिटी की है। तो काफ़ी लेसन्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। आज स्टार्ट करेंगे, हम लोग जुडिशरी में देख चुके हैं काफ़ी टॉपिक्स, जिसमें कि डेथ पेनल्टी तक हमने कंप्लीट कर रखा है। आज स्टार्ट करेंगे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के साथ, और जो भी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो पाती है उसे हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि यहाँ पे है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। अभी हुआ क्या है कि फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो है, ये मीटिंग हुई है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है कि जितनी भी अंडर ट्रायल्स लोग हैं, इट मींस कि जो लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर अभी ट्रायल नहीं हुई है। ट्रायल कहने का मतलब है कि ट्रायल होता है तब उसी के बाद ये सिद्ध हो पाता है कि हाँ, किसी ने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो कि अंडर ट्रायल ही काफ़ी लंबे समय हमारे जो है वो आप देख सकते हो कि जेल की ऐसी स्थिति है, और ऐसा जो कानून का ऐसा सिस्टम है कि जो कि काफ़ी स्लो हो चुका है, तो इसे स्पीड अप करने की ज़रूरत है। क्योंकि अंडर ट्रायल्स में क्या होता है कि बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स भी होते हैं, जो कि एक होता है ना कि सस्पिशियस के हिसाब से या फिर कोई फॉल्स एविडेंस के हिसाब से उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब ट्रायल होता है तब समझ में आता है कि उनके ऊपर कोई भी क्राइम जो है वो चार्जेस फ्रेम नहीं किया जा सकता है। ओके, इनोसेंट है। तो इसलिए ये ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो है, ये मीट हुई है। अब यहाँ पे इसके बारे में मीटिंग हुई है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 का देखें, तो बेसिकली ये इनैक्ट किया गया था जिससे कि जो नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क है उसको इस्टेब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि फ्री और जो कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज है ये प्रोवाइड किया जाए हमारे देश के वीकर सेक्शन को। देखिए, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ इसलिए ही लाया गया है क्योंकि जितने भी वीकर सेक्शन हैं उनके पास इतना तो पैसा नहीं हो पाता है कि वो अपने केसेस को लड़ सके। क्योंकि आप देखो कि कई बार उनके अगेंस्ट जो है अत्याचार हो जाता है, लेकिन अत्याचार वो सहना पड़ता है उनको, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है उसके हिसाब से। बट क्योंकि हमारे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देखोगे आर्टिकल 39A है, जिसमें कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया गया है पुअर एंड वीकर सेक्शंस को, और ये इंश्योर करता है कि जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए। जैसे एजुकेशन फॉर ऑल है, हाउसिंग फॉर ऑल है, वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल है, उसी तरीके से जुडिशरी फॉर ऑल होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारे देश में गरीब हो या अमीर हो, सभी को जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, ऐसा सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए। फाइन, तो उसके बाद अगर हम लोग नालसा की बात करें तो नालसा को भी यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत, जो कि बेसिकली यहाँ पे लीगल एड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में और साथ ही साथ जो भी पॉलिसीज़ हो, प्रिंसिपल्स हो, जिससे कि हम लोग लीगल सर्विस को अवेलेबल करा सके इस कानून के तहत, उसको यहाँ पे आपका मॉनिटर और इवेल्युएट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पैटर्न इन चीफ होते, साथ ही नालसा का आप देखो तो ये सुप्रीम कोर्ट इज़ हाउस्ड एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस एक्ट के तहत क्या है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप देखो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, ये भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इट मीन्स कि एक नेशनल लेवल पे तो एक है ही, साथ ही हमारे देश में 29 स्टेट है, तो 29 स्टेट में भी यहाँ पे 28 स्टेट है, तो 28 में भी यहाँ पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। और हर एक स्टेट में आप देखो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उस सारे डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। फाइन, अब फ्री लीगल एड्स और एड एट यहाँ पे अथॉरिटीज़ अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बनती है, हाई कोर्ट में जो कि आपका लीगल सर्विस कमेटी बनता है, हर एक स्टेट में अगर यहाँ पे स्टेट लीगल सर्विस कमेटी बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी बनता है, तालुक लेवल पे भी तालुक लीगल सर्विस कमेटी बनता है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि अंडर ट्रायल लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप अगर फंडामेंटल राइट पढ़े हो, जिसके तहत आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 कहने का मतलब है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि हर एक लोग जो भी हमारे देश में रह रहे हैं उनको कानून के सामने बराबर देखा जाता है, और साथ ही साथ इक्वल प्रोटेक्शन भी देना है। तो अंडर ट्रायल क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनके लिए इनजस्टिस का जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि उनके साथ जो है अन्याय हुआ है। वहीं अगर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 देखें तो इसमें कहा गया है कि नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इट मीन्स कि आप समझो इसको कि जो भी एक बार पनिशमेंट, एक बार अगर कोई भी क्राइम कर लिया गया है, मान लीजिए कि किसी ने ए ने बी को चाकू मारा, ठीक है,
और चाकू मारने से बी की डेथ हो गई। तो ए को जो इस केस में एक बार पनिशमेंट मिलेगा, एक बार जो भी इनको इम्प्रिजमेंट होगा, डेथ पेनल्टी मिलेगी, वो एक ही बार मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस केस को जो है आफ्टर 20 ईयर्स जो है फिर से ओपन करके इनको फिर से यहाँ पे इस केस में फंसा कर फिर से इनको पनिशमेंट मिले, ऐसा नहीं है। तो एक केस के लिए ये चीज़ें इंश्योर किया जाता है कि एक पर्सन जो है उनको एक ऑफेंस के लिए एक ही बार उनको जो है पनिशमेंट मिलेगा। साथ ही आर्टिकल 21 है जिसमें कि राइट टू लाइफ की बात की जाती है एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर कोई भी इनोसेंट पर्सन है और उनको यहाँ पे जो आप देखते हो सस्पिशियस के हिसाब से, या फिर कई बार ऐसा अनकंडीशनल सिचुएशन अराइज हो जाता है जिसमें कि पुलिस लोग जो है उसको उठा के ले आते हैं, लेकिन आप समझो कि उनका राइट टू लाइफ जो है कहीं ना कहीं इंक्रोच हो रहा है, जैसे अंडर ट्रायल में रखे रहते हैं महीनों महीनों के, यहाँ सालों भी जा रहे लोग अंडर ट्रायल में ही रह रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो कि परेशानी वाली बात है। आर्टिकल 22 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई लीगल पिटिशनर। कहने का मतलब है कि अगर किसी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है तो उनके पास पूरा अधिकार है कि पहले तो उनको पता होना चाहिए कि उनको अरेस्ट किस बेसिस पे किया गया, सेकंड वन कि वो उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने केस को लड़ने के लिए एक लीगल जो प्रैक्टिशनर है उसको हायर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आर्टिकल 32 एंड 226 है। आर्टिकल 32 जो कि यहाँ पे रिट के बारे में बात करता है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के में यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ जो रिट है वो प्रोड्यूस करने का यहाँ पे अधिकार है। सेम थिंग हैपन अंडर हाई कोर्ट जो कि यहाँ पे आर्टिकल 226 के तहत है, जो कि डिक्लेयर करता है कि कोई भी एक्यूज जो कि यहाँ पे उनको राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल डिनाइड किया गया है वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिससे कि उनका जो राइट्स है वो इंक्रोच ना हो सके। वहीं अगर आर्टिकल 39A देखते हैं जिसमें कि ये DPSP के तहत आता है, ऊपर वाले जितने भी हैं ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे DPSP के तहत कहा जा रहा है कि फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करना है पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और इंश्योर करना है जस्टिस फॉर ऑल। ओके, तो ये बातें रही, ये पूरी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें, लेकिन एक और मैं यहाँ पे फैक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ जो कि है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट। यहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत अपॉइंटमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है जो कि सबसे पहले हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते उनके साथ कंसल्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करते फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा इसको हेड किया जाता है और वो इसके चेयरमैन होते। साथ ही यहाँ पे फंक्शन है सबसे पहले कि उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करना और साथ ही साथ लोक अदालत का फॉर्मेशन करना और मेक श्योर कि जो जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स है वो किसी को भी डिनाइड ना हो हमारे देश में जो भी सिटीजन है, क्योंकि उनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, उनके पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ अन्याय हो सकता है, तो न्याय उनको भी प्रोवाइड करना है। साथ ही यहाँ पे जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर बाय रेगुलेटिंग लोक अदालत, इनको यहाँ पे आपका जो है रेगुलेट रिड्यूस करना है बाय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के तहत। इट मींस कि जो भी यहाँ पे कोर्ट आप देखते हो, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो पूरी केसेस को मिला के मोर देन 4 करोड़ ऐसे केस है जो कि आज भी पेंडिंग है। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है कोर्ट में कम हो इसके लिए यहाँ पे आप समझो कि लोक अदालत का फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग। चलिए फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखो सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग का। तो लाइव स्ट्रीमिंग जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का है, एक्चुअली ये एक पार्ट है ई कोर्ट प्रोजेक्ट के थर्ड फेज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें थर्ड फेज़ जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है उसी का ये एक पार्ट है। लाइव स्ट्रीमिंग कहने का मतलब है कि कई बार आप जानते हो, अब तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग चलती है, कोई भी केस को हियर किया जाता है या फाइनल डिसीजन दिया जाता है, वो हम लोग को नहीं पता चलता। आम जनता जो है इन सारी चीज़ों से दूर है, जो जजेस है, जो वहाँ पे डिफेंडेंट है, प्लेनेंट है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे पता चलता है, जो बाकी हम लोग को कुछ नहीं पता चलता। तो आम जनता को भी पता होना चाहिए कि कैसे जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है। तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट लाया गया है, एक इनिशिएटिव है जिसमें कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जुडिशियरी में, तो इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ई कोर्ट लाया गया है। अब ई कोर्ट का जो थर्ड फेज था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, इट मींस कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको हम लोग जो है आराम से टीवी में बैठ के देख सकते हैं। ओके, 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था कि जो लाइव टेलीकास्ट है कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, ये राइट टू एक्सेस जस्टिस का ही पार्ट है। जो हम लोग कहते हैं कि जुडिशरी फॉर ऑल, तो हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम लोग ये जाने कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग होती है। तो ये एक राइट
राइट है आम जनता के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। तो इस केस को भी आप लोग को ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये सारे मुद्दे हैं और हमारे देश में पहली बार स्टार्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव, तो इसे आपको इस केस को याद रखना होगा, ठीक है। साथ ही करेंटली अगर हम लोग देखें तो 6 हाई कोर्ट है, जिसमें कि गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश है, जिसमें कि लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी है उनकी उनकी प्रोसीडिंग, जो कि यहाँ पे YouTube चैनल में आप देखोगे, ठीक है। तो आज के डेट में आप शॉर्ट्स भी वगैरह देखते होंगे कि जो हाई कोर्ट है उनकी बहुत सारी जो क्लिप है वो आज के डेट में सर्कुलेट हो रही है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइव जो स्ट्रीमिंग है वो देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए आप लोग अगर ये सारे स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यूट्यूब चैनल होता है हर एक स्टेट का हाई कोर्ट का, तो उसी में वो जो है यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, डू यू नो कि गुजरात हाई कोर्ट वाज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी। तो ये एक बहुत ही एक कह सकते हैं कि उमदा ये हमारा एक फैक्ट्स है जिसको याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ है, तो गुजरात। तो इसलिए गुजरात वासियों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन गया है, हमारे लिए भी है। अदर प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जुडिशरी के लिए, जो कि जुडिशरी को और ज़्यादा इफिशियंट और एक्सेसिबल बनाया गया है। जैसे सुपेस है, तो इट मींस कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशेंसी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जिसमें कि जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स वगैरह है, लॉज वगैरह है, उसको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है और यहाँ पे जजेस को अवेलेबल कराया गया है, फाइन। फिर है सुवास, इट मींस कि एक न्यूट्रल ट्रांसलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल का, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज में। इट मींस कि यहाँ पे आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें जो प्रोसीडिंग होती है ना वो आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी होती है, बट मोस्टली इंग्लिश में ही आप देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी मैं काम करती हूँ हाई कोर्ट में, तो उसमें क्या होता है ना कि सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है, इवन जजमेंट वगैरह राइटिंग सब कुछ इंग्लिश में करना पड़ता है। तो इससे जो आम जनता है, जो हमारे देश के लोग हैं, आपको पता है हमारे देश के लोग 60% क्या, मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश नहीं समझते हमारे देश में, और वो इंग्लिश तो छोड़ो हिंदी भी नहीं समझते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने सिर्फ लोकल लैंग्वेज को समझते हैं। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए ना जिससे कि अगर लोग देख रहे हैं आज के डेट में, जैसे यूट्यूब में भी आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, तो अगर आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में भी सुनना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग है, तो बेसिकली ये चीज़ें हो सके। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करने का बहुत ही अच्छा, ये आप कह सकते हो कि बहुत ही विन विन सिचुएशन इनिशिएटिव है जो कि सुवास के द्वारा लाया गया है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से फास्टर सिस्टम लाया गया, जिसमें कि ये इंश्योर किया गया कि अंडर ट्रायल्स जो है उनको यहाँ पे बहुत दिनों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट मींस कि आप देखते हो कि उनको, मैं कई बार स्टार्टिंग से यही बातें कर रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स हैं जिनको कि यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है और वो वेट करते कि कब उनका दिन आएगा, कब उनका टाइम आएगा जब उनके ऊपर ट्रायल की जाएगी और ये चीज़ें फिक्स हो पाएगी कि हाँ उनके ऊपर कोई जो है क्राइम चार्जेस फिक्स हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको रिलीज़ कर देना है बिकॉज़ जो सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज़ है उनके बेल ऑर्डर का, वो यहाँ पे प्रिजन तक पहुँचने में लेट हो जाता है। तो ये भी एक है, फास्टर सिस्टम लेकर आना है जिससे कि अंडर ट्रायल पीपल्स के बारे में सोचा जा रहा है। साथ ही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट तो है ही, ये आप देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट मींस कि यहाँ पे जो फंड है वो आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दोनों मिल के यहाँ पे फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे 60-40 रेशियो होता है, 40 स्टेट में होता है, 60 यहाँ पे, और जितनी भी हिली रीजन्स है वहाँ पे 90% जो है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं और 10% फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। तो इसलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि फास्ट ट्रैक यहाँ पे स्पेशल कोर्ट बनाया गया है और ये चीज़ें बनाई गई है बच्चों के लिए, जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट केसेस के रिलेटेड जो भी रेप की बातें हैं, जो भी यहाँ पे बच्चों के साथ जो अत्याचार होता है उनको सुनने के लिए यहाँ पे स्पेशल कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जो कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कहा जा रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग से है। ओके, उसके बाद देखें न्यूली इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च हुआ है। सबसे पहले वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है जो कि सेंट्रल लेवल में है और यहाँ पे डिटेल्स दिया जा रहा है कुछ केसेस का जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है, केस को डिस्पोज किया जाता है और केसेस की पेंडेंसी है। साथ ही यहाँ पे जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0 है जो कि एक टूल है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कि वो यहाँ पे इफेक्टिव कोर्ट और केस मैनेजमेंट यहाँ पे करें बाय मॉनिटरिंग पेंडेंसी और केसेस जो भी डिस्पोजल हो रहे हैं। साथ ही डिजिटल कोर्ट है, डिजिटल कोर्ट भी आप समझो कि एक इनिशिएटिव है जिससे कि कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे जजेस को अवेलेबल कराया जाएगा, वो भी डिजिटाइज्ड फॉर्म में,
जिससे कि यहाँ पे जो पेपरलेस कोर्ट है उसको हम लोग ट्रांसलेट कर सके। इट मींस कि आप देखो कि यहाँ पे ट्रांजिशंस टू पेपरलेस कोर्ट, इट मींस कि हम लोग चाह ही रहे कि जितने भी पेपर्स वगैरह है उन सबको हम लोग एलिमिनेट करें और सारी चीज़ें डिजिटाइज हो सके। जिससे कि आप देखते हो कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं कि हमें जो है एफॉरेस्टेशन करनी है, पेड़ लगाना है, जिससे कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी इशू कम हो सके, इमिशंस जो है उनको हम लोग न्यूट्रल कर सके। बट दूसरे साइड आप देखो कितने पेजेस आप बर्बाद करते हो, ऑफिस में देखो फाइल के फाइल, हर एक चीज़ के लिए पेजेस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए हम लोग को सारी चीज़ों को डिजिटाइज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो S3WAAS वेबसाइट है, इसमें क्या है कि जनरेट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, डिप्लॉय करना है और मैनेज करना है जो भी वेबसाइट्स वगैरह है, इससे स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन वगैरह पब्लिश हो पाएगा, सर्विसेज वगैरह पब्लिश हो पाएगी जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रिलेटेड है। फाइन, अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन कैमरा प्रोसीडिंग है, इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है कुछ प्ली फॉर इन कैमरा हियरिंग इन रेप केसेस। चलिए देख लेते हैं। देखिए इन कैमरा प्रोसीडिंग जो है इसको प्राइवेट कहा गया है, इट मींस कि जो ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग है उससे थोड़ा हटके आपको इन कैमरा प्रोसीडिंग देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो कंडक्ट किया जाता है ये एज़ पर कोर्ट्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है सेंसिटिव मैटर को लेकर उसके लिए कंडक्ट किया जाता है, जिससे कि जो भी पार्टीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व है, बेसिकली 2-3 पार्टीज़ जो होते उनका प्रोटेक्शन और उनकी प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इसलिए इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाती है। और ये जो प्रोसीडिंग है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती है या फिर किसी क्लोज चैम्बर में होती है, ये क्लोज्ड बंद में होता है और यहाँ पे जो हॉल होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं और उस हॉल में किसी भी पब्लिक और प्रेस को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी जाती है। साथ ही ये आपका जो है फैमिली कोर्ट में भी कंडक्ट किया जाता है इनकेस अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, जैसे आप देखते हो कि कानूनी तौर पर अगर हस्बैंड वाइफ अलग होना चाहते हैं, जुडिशियल सेपरेशन हो, इम्पोटेंस हो, इट मींस कि किसी के ऊपर या तो हस्बैंड है या तो वाइफ है उनके ऊपर अगर ऐसा आरोप है कि वो सक्षम नहीं अपने फैमिली प्लानिंग करने के लिए या फैमिली को बढ़ाने के लिए, तो फिर इस तरीके का जो भी मामला होता है वो फैमिली कोर्ट में भी बंद कमरे में किया जाता है। ऑल्सो कंडक्टेड ड्यूरिंग डिपोजिशंस, जो विटनेस वगैरह है टेररिस्ट अटैक एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व है उनके लिए भी यहाँ पे जो है कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रखा गया है, क्योंकि आप देखो टेररिस्ट जो है उनको भी अगर ओपन कोर्ट में रखेंगे तो क्या पता पब्लिक के रूप में ही उनके कोई साथी आएंगे फिर कुछ अटैक वगैरह करेंगे, तो इसलिए जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन और जो क्लोज्ड लूप है उसमें उनको रखना पड़ता है। ओके, फुल कोर्ट मीटिंग क्या होती है? फुल कोर्ट मीटिंग में भी अगर हम लोग देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो कि एक फुल कोर्ट मीटिंग वो कॉल करते हैं। फुल कोर्ट मीटिंग की अगर लिटरली मीनिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक ऐसी मीटिंग जो कि कोर्ट के सारे जजेस के द्वारा इसको अटेंड किया जाता है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहेंगे तो हमारे देश में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं उन सारे कोर्ट्स के जजेस को एक जगह बुलाते हैं और फिर फुल कोर्ट मीटिंग होता है। यहाँ पे आप देखो कोई भी रिटन रूल्स नहीं है कि इसको कैसे डील करना है, बट एज़ पर जो कन्वेंशन है उसमें कहा गया है कि जो फुल कोर्ट मीटिंग है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसको बुलाते हैं, जिससे अगर उनको लगता है जुडिशरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंस इशू है उनके ऊपर अगर उनको डिस्कशन करना है तो वो करते हैं। इस तरीके की जो मीटिंग्स है ये आप देखो कि कॉमन सोल्यूशन में यहाँ पे एक्चुअली कुछ ऐसी सेंसिटिव इशूज़ होती है या फिर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर डिस्कस करना है या फिर कुछ सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है तब वो यहाँ पे फुल कोर्ट मीटिंग यहाँ पे करते तो सॉल्यूशन तक पहुँचते जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है उसको बेटर तरीके से डील कर सके। ओके, साथ ही अगर आप देखोगे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में यानी कि कोर्ट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है उसमें किसी तरीके का अमेंड करना है तो वो भी यहाँ पे इस फुल कोर्ट मीटिंग में इसको डिस्कस किया जाता है। अगर हायर जुडिशरी में लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के लिए हमारे संविधान पे आर्टिकल 348(1) और 348(2) है हमारे संविधान का, जिसमें सारे प्रोसीडिंग यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और हर एक हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 348 का सब क्लॉज 1। ठीक है, नो लॉ हैज़ बीन मेड इन दिस रिगार्ड बाय पार्लियामेंट सो फार, इट मींस कि जो भी यहाँ पे प्रोसीडिंग होती है इंग्लिश में ही होती है, तो अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसीडिंग होना चाहिए इसको लेकर। ओके, आर्टिकल 348(2) अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि गवर्नर जो कोई भी स्टेट के हैं विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट उनको ऑथराइज़ किया जाता है कि आप हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करें या फिर कोई और अदर लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए हो उस स्टेट के लिए इन प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट। इट मींस कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो है पहले ये प्रेसिडेंट से कंसेंट लेते हैं, उनको यहाँ पे हामी लेना होता है कि हाँ क्या वो और कोई और लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो लैंग्वेज यूज़ करने के लिए जो कंसेंट लेना वो भी यहाँ पे आर्टिकल 348 क्लॉज 2 के तहत है।
ओके सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे अगर हमने देखा लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो काफ़ी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोग के भी स्टेट में है तो इसको इन्जॉय कीजिए, ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट है टेली लॉ सर्विसेज। देखिए ये जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा घातक होती है। इस छोटे छोटे न्यूज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग इसको भी स्किप कर दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नासा के बीच में साइन किया गया है, और एज़ पर एग्रीमेंट देखें तो नासा जो है उनको यहाँ पे 700 लॉयर्स का सर्विस प्रोवाइड किया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सक्लूसिवली। और इसमें आप देख सकते हो कुछ लॉयर्स है जो कि एक रेफर लॉयर जैसा भी काम करते हैं। साथ ही इसको देखो तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और टेली लॉ मेन स्ट्रीम की अगर बात करें तो लीगल एड है जो कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जो कि यहाँ पे हेल्प चाहते हैं, उनको यहाँ पे कुछ लॉयर्स वगैरह चाहिए जिससे कि वो अपनी जो है केसेस वगैरह को लड़ सके, तो ये काम यहाँ पे मिलेगा। टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये अवेलेबल कराने की कोशिश की जा रही है जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वो भी 1 लाख ग्राम पंचायत में। तो ये आप समझ सकते हो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके जो लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता है कि उनको जस्टिस कैसे मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा, कोर्ट कैसे जाना है, लॉयर कैसे हायर करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है, देखिए एक ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन है जो कि स्पीडी फाइलिंग करेगा और प्रोसेस करेगा जो भी ब्रॉडकास्टर्स के एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं। ब्रॉडकास्टर्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, लाइसेंस को लेकर, परमिशन को लेकर और रजिस्ट्रेशन को लेकर। बेसिकली आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको लॉन्च भी किया गया है। और इस पोर्टल की बात करें तो ये पोर्टल काफ़ी सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। फाइन, इसमें आप देखो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस भी देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा ना कि जो टर्न अराउंड टाइम ऑफ एप्लीकेशंस है वो रिड्यूस हो पाएगा, और सेम टाइम्स जो है यहाँ पे एप्लीकेंट्स ट्रैक कर पाएंगे जो भी प्रोग्रेस वगैरह है। फाइन, बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली रूल किया गया है कि नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू बी वैक्सीनेटेड, यानी कि कोई भी ऐसे लोगों को यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ पे वैक्सीन लो, क्योंकि अंडर आर्टिकल 21 के तहत उनका राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, उनको मन है कि वो अपना वैक्सीन ले या नहीं ले। आप देखो कोरोना वायरस में भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ था, काफ़ी लोग जो है लेना ही नहीं चाहते। इवन चलो कोरोना वायरस का तो ले भी लिए, लेकिन बूस्टर डोज के लिए आप देखो कि कितना मशक्कत करना पड़ा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि बूस्टर डोज ले चुके हो, क्योंकि क्या होता है कि बूस्टर डोज जो है काफ़ी लोग ये नहीं लेना चाहे, क्योंकि हर बार आप देखो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इश्यूज़ भी देखने को मिलता है कि इंजेक्शन लेने से ये हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बेहोश हो गया, फेंट हो गया, तो बहुत तरीके के इश्यूज़ हमें सुनने को मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसे ही होगा। ओके, तो ये बातें हैं। साथ ही सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस है, ये एक प्रैक्टिस है जो कि सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के द्वारा ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है गवर्नमेंट एजेंसी से उनको एक्सेप्ट किया जाए, उसको सील्ड किया जाए इनवेलप में, और इसको जो एक्सेस किया जाएगा ये सिर्फ एक्सेस किया जाएगा जज के द्वारा। इट मीन्स कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आपका एक्सेप्ट और यहाँ पे सील कर दो, एक इनवेलप पे बंद कर दो, और इनवेलप पे बंद करके इसको जजेस तक पहुँचा दो, ठीक है। और इसको कहा गया है कि सील्ड ओवर जुरिस्प्रूडेंस। ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बिल, देखिए एंटीसिपेटरी बिल एक काइंड ऑफ बेल है कि ये आपका सेक्शन 438 ऑफ CRPC है, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी इंसान को यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल देना है। इट मींस कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने आपके ऊपर कुछ चार्जेस फ्रेम होगा, आपको जेल जाने की नौबत आएगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आप जो है पहले से ये एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। ओके, ये सेक्शन 438 है CRPC का। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे रेफर किया गया है लार्जर बेंच को कि आप कुछ इश्यूज़ वगैरह हियर कर सकते हैं जो भी एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है। ओके, बट ये ट्रांजिट जो एंटीसिपेटरी बेल है ये तब दिया जाता है जब एक केस यहाँ पे एक इंसान के अगेंस्ट में हो और ये स्टेट में, यानी कि डिफरेंट जहाँ पे वो रहते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे गुजरात के निवासी हो लेकिन आपके अगेंस्ट में ये हैदराबाद में जाकर जो है केस रजिस्टर्ड हो गया है, तो आपका जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो हैदराबाद में हुआ लेकिन आप रहने वाले गुजरात में के हैं, तो अगर कहीं और के आप जैसे रहने वाले गुजरात के लेकिन आपको पता है कि आपके अगेंस्ट में जो क्राइम हुआ है और आपके अगेंस्ट में जो यहाँ पे केसेस लॉन्च होगा वो हैदराबाद में होगा, तो आपको यहाँ पे जो लेना है एंटीसिपेटरी बिल, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल, ठीक है। पर्पज़ क्या है ट्रांजिट बिल का, ये बस इतना ही है कि पर्सन को बिल मिले। फाइन, जब भी वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट कोर्ट में जाए तो उनको यहाँ पे बेल मिले, बस यही एक मामला है, ठीक है। कहीं पे भी आप देखो CRPC के तहत इसको डिफाइंड और मेंशन नहीं किया गया कि ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में देखें तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एश्योर किया गया कि देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि पूरे साल ये काम करेगा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो टोटल 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर करता है और इसमें 52 मेन केसेस है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होना चाहिए जिसमें कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस हो और ये पूरे एक साल काम करे। ओके, ऐसा कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर आप देखोगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के तहत इसको सेटअप किया जाता है जिसमें 5 या फिर 5 से ज़्यादा यहाँ पे जजेस होते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 143 है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चंस है किसी कानून से रिलेटेड तो उसमें जो केस इन्वॉल्व है तो उसको यहाँ पे हियर किया जाएगा आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 145 का क्लॉज 3 है जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को वो सुनेंगे कोई भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और लॉ को लेकर। 2 या 2 से ज़्यादा जो 3 जजेस बेंच है सुप्रीम कोर्ट के उनके द्वारा कॉन्फ्लिक्टिंग जो जजमेंट है वो डिलीवर किया जाएगा वो भी सेम पॉइंट ऑफ लॉ को लेकर। फाइन, तो इसको ध्यान रखना है। फिर है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन जो है आप देखो कि सेंटर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि इट विल परस्यू क्यूरेटिव पिटीशन। इट मीन्स कि जो कॉम्पनसेशन यहाँ पे विक्टिम्स को दिया गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। ओके, उसके आगे हम लोग देखें तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, एक लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। ये किसी भी इंसान को तब दिया जाता है जब उनकी रिव्यू पिटीशन जो है डिसमिस हो जाता है। आप देखो कि जो भी यहाँ पे केस जजमेंट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो जजमेंट जो दिया जाता है ना तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को जो है वापस से रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर जो यहाँ पे पार्टी है जिनको लगता है कि उनके अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस फिर से इसको रिव्यू करें तो वो यहाँ पे रिव्यू पिटीशन देते हैं। ठीक है, और रिव्यू पिटीशन देने के बाद भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को चेंज नहीं करते तो फिर यहाँ पे जो एग्री पर्सन है उनके पास सेकेंड ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन का। तो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो यहाँ पे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी होता है। अगर आप देखो तो क्यूरेटिव पिटीशन को कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं किया गया लेकिन एक रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस है जहां से ये क्यूरेटिव पिटीशन का जो मामला है वो निकल कर आया है। रिव्यू पिटीशन का अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 137 के तहत ये रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी जजमेंट को जो भी उनके द्वारा दिया गया है उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो है वो प्रिवेंट हो सके। फाइन, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्प्लिट वर्डिक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे बचे हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इसके साथ आपका इन्वायरमेंट का भी PT 365 आया है, उसकी भी कुछ लेसन्स मैं लेकर आई हूँ। इसी के साथ और भी मैं लेकर आऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्जाम से पहले सारे PT 365 को कंप्लीट करा सकूँ। तो डेली आप लोग जो है हाफ एन आवर मेरे साथ इसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिविजन भी होते रहेगा। तो गाइज़ मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।